मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक सिंह। बच्चों, आज हम SST का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इन इंडिया, मतलब भारत में कृषि क्या है या भारतीय कृषि, ये पढ़ेंगे। बच्चों, कृषि हमारा क्या होता है? जो हमारे यहाँ खेती किसानी की जाती है, उससे जो अनाज उत्पन्न होता है वो क्या है, हमारे एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, जो कृषि होती है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और हेल्पिंग द फार्मर्स। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है? जो खेती हम लोग क्या है अपने यहाँ करते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस के तौर पे जो होती है उसको क्या कहते हैं, जो खेती हम लोग करते हैं, अनाज उगाते हैं उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, मतलब कृषि कहते हैं। और ये कृषि जो है क्या, हमारे यहाँ जो अभी से नहीं, बहुत पहले टाइम से जब आदि मानव लोग थे तो उन लोगों को भी कृषि का ज्ञान नहीं था। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या, उन्होंने बीज फेंक दिया पृथ्वी पे, और जैसे बारिश हुई या जो भी होता रहा, वो बीज गिरने के बाद क्या उसमें अंकुरित होगा, और अंकुरित होने के बाद वो क्या है, धीरे धीरे उपजता गया। जब वो उपजता उपजाऊ होता गया, देखते गए कि इसमें से अनाज बीज हमने डाला, बीज से क्या है, जो भी पौधे का आकार या जो भी गेहूँ या चावल का दाना डाल गया वो बढ़ता गया, और उससे उनको ये पता चला कि अगर हम कोई भी बीज पृथ्वी पर डालते हैं और जो बारिश का पानी वगैरह इनको मिलता जाता है तो क्या ये बढ़ते हैं। इससे क्या खेती का उनको ज्ञान हुआ। तब से लेकर के आदि मानव के टाइम से धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो डेवलप होता गया, होते होते उसको कृषि का पूर्णतः ज्ञान हो गया कि कैसे खेती की जाती है, और वो लोग अनाज उगाने लगे। ठीक है, तो वही प्रोसेस आज तक भी चलता आया है, तो यही चीज है। और आज जो है हमारे इंडिया में, जो भारत में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है, और इंडिया का जो इसकी एक खेती का एक बहुत लंबा इतिहास है, जो कि मैंने तो आपको थोड़ा सा बताया हुआ है। और हमारे यहाँ जो कृषि है वो 1000 ईयर, मतलब क्या है, हजारों वर्षों से पहले से ही ये चली आ रही है, जो कि इंडिया में हमारे यहाँ जो 2/3, जो 2/3 भाग है जो इंडिया की आबादी है, 2/3 भाग जो भारत की आबादी है वो क्या है, इसी कृषि पर ही आश्रित है। मतलब क्या है, ज्यादातर लोग किसानी करते हैं, किसानी करने के बाद जो अनाज उगता है उससे क्या, वो अपना व्यवसाय के तौर पे भी जो है अपने और भी सारे जो खर्च होते हैं उनको पूरे करते हैं, और वो कृषि करते हैं। ओके, और वो लोग अनाज उगाते हैं। इसके अलावा जो कृषि से उन लोग कई सारे कच्चे मटेरियल प्राप्त होते हैं, जो क्या हमारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको लोग सप्लाई करते हैं। और इंडिया का जो 17% जो भाग है वो टोटल जो है उसकी इनकम जो है, हमारे इंडिया में 17% जो इनकम होती है वो किससे होती है, एग्रीकल्चर से होती है। ओके, तो ये हमारा एग्रीकल्चर की क्या है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप, मतलब कि जो अनाज के कौन कौन से प्रकार हैं। तो उसमें हम लोग जो है 2 प्रकार के अनाज उगाते हैं, पहले तो है फूड क्रॉप और दूसरा है कैश क्रॉप। मतलब फूड जो खाने वाली चीजें होती हैं, फूड से पता चल रहा है ना, तो वो खाने वाले अनाज हो गए कैश क्रॉप। जो कैश क्रॉप होती है जो नगदी फसल होती है, क्या है, इसको उगाने के बाद हम लोग क्या है उसे हमको जो है इनकम होती है, इनकम इससे भी होती है, पर ये क्या है एक बिजनेस के तौर पे किया जाता है। ओके, इसमें फूड क्रॉप्स में क्या है, सबसे पहले राइस है, बीट है, मिल्स है और पल्सेस है, दालें। राइस हमारा जो है ये चावल है, चावल जो हमारा ये सबसे ज्यादा जो है कई जगह मोस्टली चावल खाया जाता है। इनमें से जो है मुख्यतः जो ईस्टर्न भाग के लोग हैं, ईस्टर्न और साउथर्न का जो भाग है हमारा वहाँ पे इंडिया के, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। और ये जो राइस होता है वो क्या खरीफ की फसल कहलाती है ना, खरीफ क्रॉप्स कहलाती है। और ये जो जो चावल इसकी खेती करते हैं तो इसके लिए जलवायु जो हमारी होती है गर्म होती है, और गर्म जलवायु में उगता है चावल, और साथ साथ उसमें क्या है पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और मुख्यतः ये जो चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है, वेस्ट बंगाल आपका, बिहार है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है ना, ऐसा कई सारे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे
होता है, ये क्या है, चावल उगाया जाता है, राइस होता है। और जो इसके बाद अगला आता है वीट, गेहूँ। गेहूँ जो हमारा है ये इंडिया में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन इसका गेहूँ का होता है। और इसको क्या है, ये हमारी हो गई खरीफ की फसल, और गेहूँ को रबी की फसल कहा जाता है। रबी मतलब क्या, जाड़े का जब मौसम आता है आपका, नवंबर दिसंबर के टाइम, नवंबर या अक्टूबर नवंबर में ये क्या है आपकी खेती जो है वो बोई जाती है, गेहूँ की खेती होती है, तो इसको क्या है रबी की फसल कहते हैं। और ये हमारे इंडिया में जो है ये दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा चावल गेहूँ उत्पन्न किया जाता है, इसका गेहूँ की पैदावार होती है। और इसके लिए जो है मैंने आपको बताया कि सर्दियों का जब मौसम आपका अक्टूबर नवंबर में आ जाता है तभी होती है, तो इसके लिए जो जलवायु है वो गर्म सॉरी ठंडी जलवायु होनी चाहिए, और क्या है मतलब हल्की धूप होनी चाहिए जिससे ये उपज जो सॉरी गेहूँ के पैदावार होते हैं। मुख्यतः गेहूँ हमारे यहाँ जो इंडिया में है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात, इन सब जगहों पे सबसे ज़्यादा है जो है, इन सब राज्यों में सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उगाया जाता है। फिर हमारा मेन्स आता है जो हमारे इसमें क्या क्या है, इसमें और भी कई सारे जिसमें इसमें आता है बाजरा है आपका, रागी है ना, ये सारे जो है अनाज इनमें उगाए जाते हैं। ये राइस और दोनों राइस और जब आपका वीट होता है मतलब गेहूँ और चावल जब होता है दोनों मौसम में उगाया जाता है। ये मुख्यतः जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर आपका पल्सेस आता है, इसमें आपके पल्सेस में जो दालें आती हैं जैसे ग्राम मूंग है, अरहर है, मसूर है, ये सारी दालें इसमें इंक्लूड है। और ये सबसे ज़्यादा दालें जो हमारी होती हैं सबसे ज़्यादा क्या प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये ऑलमोस्ट जो है भारत में हमारे जो सभी जगह सबसे ज़्यादा दालें जो है हर एक स्टेट में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। फिर इसके बाद आता है आपका कैश क्रॉप, जो नकदी फसलें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें आपका शुगर केन, जूट है, कॉटन है और ऑयल शीड है, टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस, मतलब कि आपका शुगर केन, गन्ना जो होता है। कैश क्रॉप जो होती है वो हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए कैश क्रॉप मतलब कि आपकी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए मतलब ये खेती की जाती है, जैसे कि आपको मनी की अर्निंग होती है। ये तो आपके खाने पीने में आ जाती है, आपका जो भी सेल कर पाए, ठीक है ना, तो ये आपकी सिर्फ खाने वाली चीज़ें, ये हमारी व्यावसायिक चीज़ें होती हैं, सॉरी व्यावसायिक खेती है। ओके, सबसे पहले इसमें शुगर केन है। शुगर केन जो है हमारा जो इससे क्या है चीनी बनाई जाती है और जागरी बनाई जाती है। और जो शुगर केन हमारा होता है ये किस प्रजाति से घास से संबंधित, घास की प्रजाति से ये बिलोंग करता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़े भारी मात्रा में जो है शुगर केन की खेती होती है। और इसके लिए जो जलवायु है वो इसमें भी क्या है अच्छी होनी चाहिए और पानी की इसको भी आवश्यकता बहुत होती है। ये मोस्टली हमारा जो गन्ना हमारे यहाँ उगाया जाता है उत्तर प्रदेश है, सबसे मुख्यतः तो आपके उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश के आगे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन और कई सारे राज्य हैं जहाँ पे गन्ने की खेती की जाती है। जूट हमारा है, जूट हमारा जो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है नेचुरल फाइबर्स मतलब ये हमारा प्रकृति का सबसे मुख्य फाइबर्स है। और इसको क्या कहते हैं गोल्डन फाइबर मतलब क्या कहते हैं सोने का रेशा कहते हैं जूट को। ओके, और ये हमारा जो है इससे जूट से हमारे कई सारी चीज़ें बनती हैं जो कि मैंने आपको बताया कैश क्रॉप के अंतर्गत आती हैं, जिससे कि आपके पैरदान बनाए जाते हैं, है ना, और रॉब्स है, इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं और आपके यहाँ कई सारी चीज़ें जो उपयोग में आती हैं जिससे कि जूट से बनती हैं। और ये जो इनके लिए जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए, गर्म और नम होनी चाहिए, ये गर्म और नम जलवायु में ये इसकी खेती की जाती है और इसमें जो है कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और ये इसका जब ये खेती होती है तो उस समय क्या
है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होना चाहिए। और ये मुख्यतः हमारा जो जूट का उत्पादन क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। इसके बाद आता है आपका कॉटन, मतलब क्या है हमारा कॉटन है तो इसको जैसे मैंने आपको बताया जूट को गोल्डन ऑफ द फाइबर्स कहा जाता है, तो वैसे ही किंग ऑफ फाइबर्स जो है इसको कहा जाता है, जो है रेशम का राजा कहा जाता है, इसको कॉटन को कहा जाता है। ये भी हमारी कॉमर्शियल के लिए क्या आर्थिक व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य उपजाऊ जो खेती है अनाज है। और ये हमारे क्या है वैल्यूएबल, मतलब कि क्या इससे इसकी वैल्यू हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। कॉटन मुख्यतः हमारे यहाँ जो किस लिए यूज़ की जाती है भाई, कपड़े बनाने के लिए सूती वस्त्र जो बनाए जाते हैं तो इसी से बनाए जाते हैं। और ये जो खेती इसकी होती है कॉटन की वो इसमें ब्लैक सॉइल में होती है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। और इनका जो उत्पादन क्षेत्र है वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इसके अलावा कई सारे राज्य हैं जहाँ पे इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट हमारा ऑयल शीट आता है तिलहन, तिलहन संसाधन जो क्रॉप्स है ये हमारे इसमें मस्टर्ड ऑयल है, आपका ग्राउंडनट है, मूंगफली जैसे कि आपके सरसों का तेल हो गया और मूंगफली का तेल हो गया है ना, सीसम और सनफ्लावर, ये सारे जो है हमारे इसमें ऑयल शीट्स में आते हैं जो तिलहन के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में की जाती है और इससे क्या ये हमारे यहाँ कुकिंग के लिए यूज़ होता है, तेल भाई सभी भाई खाने पीने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके लिए क्या हमें गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है इस खेती के लिए, और जब बारिश होती है तभी ये खेती ग्रो करती है। इसके बाद आता है आपका टी, चाय। चाय हमारा जो है भारत का मेजर जो ये हमारे यहाँ खेती मानी गई है, और इंडिया में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में क्या है चाय का उत्पादन होता है। और ये क्या है एक पेय पदार्थ है तो सभी लोगों के यहाँ चाय वगैरह पी जाती है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। और ये जो चाय के बागान जो हमारे यहाँ मुख्यतः जो कि आप ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, तो जैसे कि आपका मोस्टली ये उत्पादन इसका होता है आसाम, नॉर्थ पार्ट्स जो होता है आपका वेस्ट बंगाल जो उत्तरी बंगाल में है, और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है चाय का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद आपका आता है कॉफ़ी, कॉफ़ी हमारा मोस्टली जो है मुख्यतः केरला में है, कर्नाटका में है और तमिलनाडु, इन सब जगहों में सबसे ज़्यादा ये इसकी खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो वेदर वहाँ का होता है वहाँ पे कैसा है कोल्ड वेदर होता है, ठंडा मौसम होता है और रेन जो बारिश है वो भारी मात्रा में होती है जो कि इस खेती के लिए आवश्यक है, तो इन जगहों पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसके बाद आपका आता है स्पाइसेस, मसाले जो होते हैं स्पाइसेस हमारे जो है जिसमें कि आपका पेपर है, चिलीज है, क्लेव है ना, जितने भी मसाले होते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा केरला और कर्नाटका में इनका उत्पादन होता है। ओके, इसके बाद आपको बताना चाहेंगे हेल्पिंग द फार्मर्स। अब ये सारे जो भी आपको क्रॉप्स मैंने बताए हैं फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप, इनमें से हमारे किसानों के लिए कैसे लाभदायक है तो वो बताना चाहेंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहले आपको मैंने जबकि बताया है कि किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर है बहुत ही अच्छा संसाधन है, और भारत के आज़ाद होने के पहले से अभी तक सभी लोग क्या खेती ही करते चले आ रहे हैं, और इसको देखते हुए हमारे गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं जो है बहुउद्देशीय योजनाएं लागू की गई जिससे क्या है किसानों को हेल्प मिल सके। जैसे कि पानी की व्यवस्था पहले नहीं हो पाती थी तो इनके लिए डैम वगैरह बनाए गए, जगह के जो छोटे छोटे से लेक्स बनाए गए जिससे क्या ये अपने खेतों की सिंचाई कर सके। तो इनको फार्मर्स को जो है कई सारे और मॉडर्न खेती कैसे कर सके, जैसे पहले तो इन लोगों को क्या है बैल से और उससे जुताई वगैरह जो करनी होती थी, आजकल इतनी सारी मशीनरी आ गई, उन मशीनरी के थ्रू ये लोग अपनी खेतों को क्या है आराम से जुताई भी कर सकते हैं। इसके बाद जब इसकी कटिंग होती है तो वो काट करके और पूरा सब उनकी साफ सफाई भी हो जाती है इनके अनाजों की। तो इस तरह जो भारत सरकार द्वारा कई सारे कदम उठाए गए जो कि हमारे किसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है और इससे इनको सहायता मिलती है। बच्चों, इस चैप्टर की रीडिंग आप लोग घर पे करेंगे, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम
क्लास में।